मध्य प्रदेश में जल्द ही राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। तमाम अटकलों को विराम देते हुए कांग्रेस ने दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को अपनी प्रत्याशी बनाया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा के लिए पर्चा दाखिल किया। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने कभी भी विचारधारा से समझौता नहीं किया और ना ही उन्होंने कभी पद का लालच रखा। दिग्विजय सिंह ने नॉमिनेशन फाइल करने के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सीएम कमलनाथ का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, मैंने अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं। देश में इस समय सांप्रदायिक शक्तियां हावी है। बीजेपी अपनी सरकार बनाने के लिए जिस तरह के हथकंडे अपना रही है उसे जनता को समझाना चाहिए। ये प्रजातंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है। हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के मामले पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उनको राज्यसभा की सीट भी ऑफर की थी। दिग्विजय सिंह ने कहा, हमने उन्हें राज्यसभा की सीट ऑफर की थी, हम इससे ज्यादा भी कुछ करने वाले थे। उन्हें इस बात का जनता के सामने खंडन करने दो। ज्योतिरादित्य सिंधिया कई महीनों से कांग्रेस पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। गौरतलब है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और उनके साथ ही 22 कांग्रेस विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया था। इससे प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली 15 महीने पुरानी कांग्रेस सरकार गिरने के कागार पर पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम और ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने की पृष्ठभूमि में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने विधानसभा में कमलनाथ सरकार से बहुमत साबित करने का विश्वास जताते हुए बुधवार को दावा किया कि 22 बागी विधायकों में 13 ने कांग्रेस नहीं छोड़ने का भरोसा दिया है। सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेताओं ने यह समझ पाने में गलती हुई है कि सिंधिया कांग्रेस छोड़ने जैसा कदम उठा सकती हैं। उन्होंने कहा कि वह कैबिनेट मंत्री बनने की अति महत्वाकांक्षा के चलते भाजपा में शामिल हुए हैं। मैं सर नामांकन दाखिल करने पहुंचे सर, दाखिल करने मिल रहे हैं आपको लाइन। मैं श्रद्धेय श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी जी, सुश्री प्रियंका जी और कांग्रेस और वर्किंग कमेटी के सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूँ। माननीय कमलनाथ जी का भी आभारी हूँ और कांग्रेस से जुड़े हुए सभी राजनेताओं का मैं आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं राज्यसभा में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करूं। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में विचारधारा की लड़ाई लड़ी है और अपने विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। मेरे राजनीतिक जीवन में इस बात का पूरा प्रयास हुआ कि तत्कालीन भारतीय जनसंघ का मैं सदस्य बनूं लेकिन जब उनकी विचारधारा मैंने देखी तो मैंने ये निर्णय लिया कि विचारधारा मेरे विचारों से मेल नहीं खाती है और इसीलिए मैंने राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ली और आखिरी सांस तक मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में काम करूंगा। मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए विचारधारा महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। राजनेताओं की क्रेडिबिलिटी आज हाशिए पर है। मैं अपनी बात पर कायम रहने का आदि हूँ। मैंने कहा था कि यदि 2003 में सरकार कांग्रेस की नहीं बनेगी तो मैं 10 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैंने वो निभाया। मेरे लिए
राजनीतिक विश्वसनीयता बहुत आवश्यक है और उससे मैं कभी समझौता नहीं कर सकता। आज देश में जो हालात है, जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, जिस प्रकार से इस देश के सांप्रदायिक सद्भाव के की मानसिकता गंगा जमनी संस्कृति को तोड़ा जा रहा है, इस देश के सामाजिक समरसता को बिगाड़ा जा रहा है, उस समय हमें इस बात की कोशिश करना चाहिए कि हम सब एक होकर जिस प्रकार का कुटिल षड्यंत्र इस देश में भारतीय जनता पार्टी चला रही है, धर्म के आधार पर लोगों में नफरत पैदा की जा रही है, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती आई है और करेगी। हम कट्टरपंथी विचारधारा चाहे कांग्रेस चाहे हिंदुओं की हो चाहे मुसलमानों की हो, कांग्रेस ने हमेशा इस कट्टरपंथी विचारधारा का विरोध किया है। और आपको मैं स्मरण दिला दूं कि मेरे मुख्यमंत्री काल में कोई भी कट्टरपंथी हिंदू या कट्टरपंथी मुसलमान ने भड़काऊ भाषण दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिसके कारण प्रदेश में एक दंगा फसाद नहीं होने दिया और पूरे तरीके से हम लोगों ने इस देश में और इस प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखा। सरकार बचाने के किस तरह के प्रयास हो रहे हैं? और नरोत्तम मिश्रा दोनों कह रहे हैं कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बहुमत खो चुकी है, इसलिए राज्यपाल का जो अभिभाषण है वो कैसे होगा? मैं माननीय दोनों वरिष्ठ नेताओं को ये बताना चाहता हूँ कि देश में कानून का राज होगा या भारतीय जनता पार्टी के निर्देशों से माननीय महामहिम या स्पीकर माननीय स्पीकर साहब काम करेंगे। 19 कांग्रेस के विधायक आज उनके कब्जे में हैं, परिवार के लोग उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, फोन उनके छुड़ा लिए गए हैं। ये भी एक अजीब बात है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक के इस्तीफे भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह लेके आते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे इस्तीफे मंजूर हो जाएं। कहते हमारा आंतरिक मामला है कांग्रेस का। अगर आंतरिक मामला है तो उन लोगों को आपने कैद क्यों कर रखा है? छोड़िए, उनसे बयान दिलवा रहे हैं, वीडियो भिजवा रहे हैं, लेकिन माननीय स्पीकर साहब के सामने उन्हें पेश क्यों नहीं किया जा रहा है? हमारी मांग है माननीय स्पीकर साहब से और आपके माध्यम से मैं देश के सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी केवल अपनी सरकार बनाने के लिए जिस प्रकार के हथकंडे अपना रही है, इस देश को समझना चाहिए, प्रजातंत्री व्यवस्था के खिलाफ है। उन्हें वो छोड़े, अगर यहाँ पर आकर स्पीकर साहब के सामने वे अपना पक्ष 1-to-1 रखते हैं, उसके बाद जो भी निर्णय होगा उसे हम स्वीकार करेंगे। लेकिन फ्लोर टेस्ट के लिए माननीय कमलनाथ जी कह चुके हैं हम तैयार हैं। अगवा अगर किया है तो पुलिस को भेज के सर आप लोग केस दर्ज करवा के उनको वापस हो रही है। बात यह है कि इस्तीफे मंजूर कब होंगे? इस्तीफे तब मंजूर होंगे तब माननीय विधायक माननीय अध्यक्ष जी के सामने 1-to-1 बैठकर कहेंगे कि मेरे दस्तखत हैं, मुझ पर कोई दबाव नहीं है, तब जाके इस्तीफे मंजूर होंगे। और जब तक इस्तीफे पर निर्णय नहीं होता है तब तक फ्लोर टेस्ट कैसे करवा दें? नहीं आना तब तक इंतजार करेंगे। जो हमें मालूम पड़ा है कि माननीय अध्यक्ष जी ने जितने इस्तीफे आए हैं उन सबको नोटिस इशू किया है, नोटिस इशू हो गए हैं
उस आधार पे भी आए अपनी बात कहें। संवैधानिक संकट है मध्य प्रदेश में कि विधायक कब्जे में, संवैधानिक संकट भारतीय जनता पार्टी किए हुए है, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.